अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दिस इज़ योर बॉय मलिक फरहान। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से चेक ही कर लिया हुआ कि आज है अनबॉक्सिंग ब्लॉग। असल में अनबॉक्सिंग तो कल ही हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊं और कंटेंट भी बनाना था, तो चलते हैं। सॉरी, मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीक मैंने अपलोड्स नहीं की और ये मुहर्रम चल रहा है। तो जो ब्लॉग है ये अब मतलब 12 दिनों तक मेरे कोई ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने कहा कि एक ब्लॉग बना के अपलोड कर लूँ और आप लोगों को बता लूँ। तो यार अच्छी बात नहीं होती है कि मैं ब्लॉग करूँ, तो इतना टाइम वेस्ट करेंगे और चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ और दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। चलें शुरू करते हैं। हमारे पास ये है एक मतलब ये व्लॉगिंग सेटअप बनाने के लिए होता है, लेकिन इसको मैंने इसलिए ख़रीदा है कि मैं लाइटिंग सिस्टम मैंने अपना करना है, तो इसे हम लाइटिंग सिस्टम करेंगे जो मैंने सोच रखा है। तो इसको रखते हैं यहाँ पे। तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है बोया B1 MM1, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई परचेज दिस माइक। और इसकी मैं आपको बताता चलूँ, यार मैं अगर आपको एक बात बोलूँ तो आपको इसका रिव्यू बहुत सी जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने चैनल के लिए रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप ये मोबाइल में भी कनेक्ट हो सकता है, आईपैड या टैबलेट वगैरह, और लैपटॉप में भी हो सकता है, और कैमरे में, और जिस चीज़ में आप लगाना चाहें ये लग जाता है। और तीसरी जो चीज़ है, तो स्वागत नहीं करोगे आप, ये है गोरिल्ला ट्रैपॉड। वैसे तो ये हर ब्लॉगर की शान है, जो आप जिसके पास आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यार ये हमारा भाई है। तो चले इसी से अनबॉक्स करते हैं। नहीं, अनबॉक्स खबर, इसको रखो क्लास साइड पे। और चौथी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो चौथी चीज़ ये है एक माउंट, जिसके ऊपर मैंने ये कोल्शू माउंट लगाई हुई है, सही है। तो अब अनबॉक्स करते हैं इसे। तो भैया ये हमारा गोरिल्ला ट्रैपॉड, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये हमारा छोटा गोरिल्ला ट्रैपॉड है, ये हमारा बेबी है, इसको भी हम रखेंगे। इसको मैं यूज़ करूँगा अपने एक्शन कैमरे के लिए, जो इंशाल्लाह मैं न्यू एक्शन कैमरा लूँगा, DSLR से पहले एक्शन कैमरा लूँगा, क्योंकि वो टाइमलेस बनाएगा और इससे मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया करूँगा। सो ये है गोरिल्ला ट्रैपॉड और ये है कोल्शू माउंट। तो पहले इसको इसमें अटैच करते हैं। असल में ये मैं इसलिए करूँ क्योंकि ये जो है ये स्क्रू है वो ये कैमरे पे लगते हैं, और ये जो स्क्रू है ये मोबाइल के लिए होता है। तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ओके जी, ये यहाँ पे लग गया है। और अभी हम अपना मेन प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं। ये भी मेन ही था। चलो जी, एक तो इसका डब्बा मैंने, तो ये है हमारा माइक। अच्छा जी, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने रोड इसीलिए नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं रोड लेता 8000 का, मैं खाली माइक लेता रोड वीडियो माइक प्रो, उसके साथ ना आती मुझे डेड कैट, उसकी 2000 रुपये की तो डेड कैट है, ठीक है, और ना मोबाइल वायर आती है, तो फिर इस वजह से। और ये कैमरे की वायर है, ये माइक के साथ लगेगा और फिर ये यहाँ पर लगेगा। तो चलो हम उसको सेटअप बनाते हैं। और ये है हमारा माउंट, और ये इसको हम तो ये मैंने लगा दिया है अपने इस पे, और अब मैं लगाऊंगा अपने ट्राइपॉड पे। तो अब मैं लगाऊंगा इस पे, और इसको उन्होंने यहाँ पे टाइट कर दिया। और ये मोबाइल वायर है तो को खोलते हैं। ये मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ, ये माइक के लिए है। और अच्छा जी, इसको कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरे मोबाइल के माइक्रोफोन से है, और जो अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरे बोया B1 MM1 की वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। तो आप वो चेक तो कर सकते हैं कि वॉइस वगैरह कैसी आ रही है। सो
दो मिनट, अब पूरा ब्लॉगिंग सेटअप बना के आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, ये मेरा पूरा ब्लॉगिंग सेटअप है। जैसे कि आप मेरी वॉइस भी चेक कर रहे होंगे, काफ़ी वॉइस मेरी अच्छी आ रही है। बैकग्राउंड नॉइस भी ये डेड कैट जो लगी हुई है ये इसको रिमूव कर रही है। तो भाई मैं आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं 12 दिन तक ब्लॉग मेरा अपलोड नहीं होगा, ये ब्लॉग के बाद कोई ब्लॉग अपलोड नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी बात इसे करूँ, मेरी लाइट्स की बिल्कुल चार्ज ख़त्म होने वाली है, तो बिल्कुल ये लाइटनेस तो कम हो गई है। और भाई मैंने ख़र्चा तो किया है, अब क्वालिटी लाइटनिंग मतलब कि कैमरे की क्वालिटी तो अच्छी आ जाएगी, क्योंकि मैं लाइटनिंग काफ़ी अच्छी कर रहा हूँ। दो तीन लाइट्स और लेके आऊँगा तो वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी क्वालिटी मेरी। सो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ये छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था। अच्छा जी, टाइम लैप्स आपने जो देखे वो जब मैं माउंट जो चिपका रहा था वो उसके टाइम लैप्स से, और अभी आप जो सिनेमैटिक्स आप देख रहे होंगे देखे हैं आपने, जो आपने सिनेमैटिक्स देखे हैं वो फिर इसी चीज़ के थे। और बस आज का छोटा सा शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, अनबॉक्सिंग ब्लॉग था। सो अपना ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो। और भाई क्या नाम है, मुहर्रम है तो फिर हम भी कुछ मुहर्रम का एहतराम करेंगे। और इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले व्लॉग्स में, 12 दिन के बाद मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। और इंशाल्लाह मैं एक वीक में 3 अपलोड्स पक्के किया करूँगा, ये आपके भाई का वादा है आपसे। माइक भी आ गया, गोरिल्ला ट्रैपॉड व्लॉगर्स की शान भी आ गई है मेरे पास, तो इंशाल्लाह अब फ्यूचर में व्लॉग बहुत ज़्यादा आएंगे। और अप्रिशिएट मुझे कीजिए और अपना ख्याल कीजिएगा। शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।